प्रेजेंटली एक इनोवेशन ग्रांट जो कि हमें सपोर्ट किया था जेके डीएसटी ने, जो कि हमारा मकसद उसमें ये था कि हम एक नैनो बेस्ड सिलिकॉन आर्टिफिशियल डाई डेवलप करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था जो कि यहाँ पर ऑफ सीज़न में हम सिलिकॉन रेयरिंग नहीं कर सकते थे, और उसके साथ में इसके लिए जो हमें अर्ली सिलिकॉन रेयरिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है चौकी मलबरी गार्डन्स की, वो हमें कश्मीर में एस्टेब्लिश नहीं है, जिसकी वजह से हम जो हमारी क्वालिटी है और प्रोडक्शन अचीव नहीं कर सकते हैं, हम पहुंच नहीं सकते हैं कि जो हमारा नेशनल टारगेट है, तो उससे पीछे हम रहते हैं, क्योंकि हमारा खारी प्रोडक्शन 29 केजी पर 100 डीएफएल होता है, जबकि वही मोर देन 50 केजी पर 100 डीएफएल हमारा यील्ड आना चाहिए। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने सोचा कि हम एक आर्टिफिशियल डाइट को डिज़ाइन करेंगे, और उस आर्टिफिशियल डाइट में हम प्रॉपर न्यूट्रिशन का सपोर्ट दे देंगे इन सिलिकॉन को, जो कि यंग एज में हम उनको तैयार करेंगे हेल्दी वर्म्स, फिर बाद में उसको हम लार्ज स्केल में मलबरी लीफ पे भी रियर कर सकते हैं, और साथ में जो हमारे ऑफ सीजन्स होते हैं, जैसे कि मतलब विंटर में आने वाले मंथ्स, ऑटम मंथ्स या विंटर के मंथ जब हमें मलबरी लीफ अवेलेबल नहीं होता है, तो उस टाइम पर हम इसी आर्टिफिशियल डाइट के ज़रिए से पूरा सिलिकवर्म जो हमारी रियरिंग है वो इसी आर्टिफिशियल डाइट पे कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमें लेबोरेटरीज़ में जो अगर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में किसी ब्रीड के ऊपर काम करते हैं कि हम नया ब्रीड डेवलप करना चाहते हैं या किसी हाइब्रिड को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जनरेशन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन जनरेशन्स को कवर करने के लिए हमें मलबरी लीफ की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब मलबरी लीफ जब ऑफ सीज़न में अवेलेबल नहीं होगा तो हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं, खाली दो से लेकर तीन मैक्सिमम रेयरिंग यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन फील्ड में खाली एक ही रेयरिंग होती है, कि उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हम कैसे लाएंगे सीरीकल्चर में, तो उसके लिए हमने आर्टिफिशियल डाइट के लिए सोचा है, जो हमने डेवलप किया है यहाँ पर नैनो बेस्ड आर्टिफिशियल डाइट, जिसमें हमने पहले नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसिस किया डिफरेंट अप्रोचेस के जरिए से, फिर बाद में करेक्टराइज करके जो बेहतरीन हमें लगे नैनो पार्टिकल्स उनको हमने ऐड किया अपने आर्टिफिशियली, जो नया हमने डिज़ाइन बैलेंस्ड डाइट किया, तो उसमें ऐड करने के बाद में जब हमने ये तैयार किया नैनो बेस्ड आर्टिफिशियल डाइट, तो उसको हमने फिर सिलिकॉन एग्स को जब ये हैच होते हैं उनको दिया, उनको उसी पे पाला हमने। कोई मलबरी लीफ हमने फ्रेश इस पे यूज़ नहीं किया, हमने ये रियरिंग नवंबर के एंड महीने में की, आज दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में आज हम कोकोनस को हार्वेस्ट कर रहे हैं, आज हमारा हार्वेस्टिंग सीजन है, जो कि मुमकिन ही नहीं है, और इस काम को हमने पहली बार कश्मीर में स्टार्ट किया है। रिक्वायरमेंट इसकी चाहिए कि इसमें हमें 27 से लेकर 28 डिग्री में टेम्परेचर मेंटेन करना है, यहाँ पर अभी जो रात का टेम्परेचर माइनस होता है, मिनिमम जो टेम्परेचर मुझे 25 डिग्री का होना चाहिए, कि मतलब जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर इसमें है, कि उस टेम्परेचर में ये प्रॉपरली ग्रो होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि हमारा यहाँ पर पावर कट वगैरह होता है, तो फिर मैंने ये घर में ही लाया, यहाँ पर मैंने जो हमारा ट्रेडिशनल कश्मीरी हमाम जो होता है घरों में, तो उसकी हेल्प से मैंने ये सिलिकॉन रियरिंग स्टार्ट की, एग से लेकर जब मैंने इंक्यूबेशन पहले स्टार्ट किया, वहाँ से फिर ये इंक्यूबेट करके ये जो छोटे एंट्स जैसे सिलिकॉन निकल गए, तो उनको फिर मैंने उसी डे से आर्टिफिशियल डाइट पे स्टार्ट किया रियर करना। इस पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे अपनी डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी से काफ़ी सपोर्ट मिला ये करने के लिए, कि पहले ही मुझे अपने यूनिवर्सिटी से भेजा गया ओवरसीज़ फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, मैं जापान के में गया इसमें मतलब इस फील्ड में जो एडवांस्ड ट्रेनिंग है उसको हासिल करने के लिए, जो हमारा यहाँ पर एक नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसके ज़रिए से मुझे ओवरसीज़ फैकल्टी प्रोग्राम में जापान जाने का मौका आया, तो वहाँ पर मैंने सीखा कि लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है नैनो पार्टिकल सिंथेसिस करने के लिए, वो मैंने टेक्निक सीखी, उनको करेक्टराइज करना, फिर बाद में उनको कैसे हम यूज़ करेंगे मतलब डिफरेंट फील्ड्स में, तो वहाँ पर ही मैंने ये आइडिया देखा कि मैं आर्टिफिशियल डाइट डेवलप करूँगा।
हमारा एक अवेलेबल आर्टिफिशियल डाइट था कि जो ऑलरेडी पेटेंटेड था, तो उसको मैंने यूज़ किया एज ए कंट्रोल। उसके साथ में मतलब इम्प्रूव्ड आर्टिफिशियल डाइट विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स मैंने डिज़ाइन किया, तो जिसने मुझे कंपेयर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट, एनकरेजिंग रिजल्ट दिखाया। इसी आर्टिफिशियल डाइट के बेस पे हम सिलिकवर्म को दोबारा रियरिंग करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि मतलब आने वाले वक्त में हम यूनिवर्सिटी के हेल्प से कि फार्मर्स को या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये आर्टिफिशियल डाइट प्रोवाइड करेंगे, जिसके ज़रिए से हमारे कश्मीर में जो ये हेरिटेज है सेरिकल्चर इंडस्ट्री की, ये हम रिवाइव कर सकें।